तो हेलो मैम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल की रीच थोड़ी गिरी हुई है, ट्राई कर रहे हैं उसको वापस ट्रैक पे लाने का। एंड अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन वैलोरेंट की न्यूज़ के साथ। Yeah, but then you roster change if I was a kid, texture back on jet. Yeah, man, let me just leak. Yeah, texture and Monyet are gonna play jet together. One's gonna play the keyboard, one's gonna play the mouse. And that's when I realized, hold on, we are entering a new phase. If we win this, we qualify for Tokyo, yeah. If G wins this, we qualify for Tokyo. Val Classico that. Do you still stick to the fact that if girls are as good as are good in game, it is preferred to have mixed lineup or only girls lineup? Vedan bhai, I think maine mention kiya hua hai. Me, I have never understood in esports a girls lineup. I do not know what it achieves. For me, esports has never been a male only industry. मतलब तुम समझ रहे हो, इसमें कोई there is no rule that says कि You need to have four boys in a team to play, or you know, there is no rule for five boys. Esports, I think, is one of the most inclusive industries in the world. जहाँ पे तुम अगर अच्छे player हो तो तुम team के अंदर हो. तुम्हारा sex, तुम्हारा religion, तुम्हारा caste, तुम्हारा educational qualification, कौन से country से हो, कौन से city से हो, कौन से country से हो, कौन से city से हो, कुछ matter नहीं करता. तुम अच्छे खेलते हो, तुम टीम में हो, खत्म. तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को लगता है कि लड़कियां सिंगल डिजिट टीम्स के पास आ चुके हैं, सिर्फ नौ टीमें बची हैं जिनमें से शुड एम एट बीइंग इन द मेन लाइनअप्स रादर देन बीइंग इन दोज जो मतलब बना के रख देते हैं नॉर्मली ऑर्ग्स में लोग गर्ल्स लाइनअप. उसका पार्ट होने से अच्छा है कि मतलब दैट इज व्हाट आई थिंक. I'm not very fond of girls only lineups. Not very, nee, I'm not. I don't get it. Sherlock, for example. मेरे को याद है SG जब PM से हम लोग खेलने गए थे, Sherlock was यार substitute. Even though she was substitute. I बोल रहा हूँ, I have tremendous respect for Sherlock because of that. Right? क्योंकि मैं तुम लोग को बताता हूँ problem क्या होता है. रुको, ये fight देखने के बाद बताता हूँ तुम लोग को. इसको गलत वे में मत लेना. नहीं, गलत वे की तो बात ही नहीं है यार. मेरे को जो मैं जो बिलीव करता हूँ, मैं हमेशा बात के बारे में, कोई गलत वे वाली बात ही नहीं है इसमें. मिल चुका है गेम के अंदर, वापसी मिलेगी. पाजी घुस के मारा करो. हाँ, थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जोन्स में तो पहुंच जा रहे हैं, फाइट्स आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी असॉल्टिंग वीक है अभी. असॉल्टिंग वीक भी है और इन द सेंस के प्लेयर्स को आइडिया भी नहीं है कि कहाँ कब कैसा देखना है. दादू गॉब्लिन कितने हैं? गॉब्लिन वेट कर रहे हैं. गॉब्लिन क्यों नहीं खेला भाई? यार हर एक प्लेयर का मतलब एक एक वो सेट है यार. देन ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे तो किसी एक प्लेयर को तो चांस ही नहीं मिलेगा. हर एक प्लेयर बेस्ट है, ठीक है, टीम के अंदर. बस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लेयर निकल के आते हैं, तो हम सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं. मतलब आज का नहीं है, दो तीन दिनों से वो चीज़ कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन. तो कभी कभी प्रेशर होता है, प्रेशर सिचुएशन में कुछ अलग लाइनअप
पॉप ऑफ करती है, और जब प्रेशर नहीं होता है तो फिर कुछ अलग लाइनअप पॉप ऑफ करती है। तो ऐसा नहीं है, खेलेगा गोब्लिन भी खेलेगा ही। ऐसा नहीं है कि चार गेम उसके बिना अच्छे चले गए तो वो नहीं खेलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Why did Rushi sir let go of the team? I'm not sure. But knowing global esports, bro, these orgs will always bounce back. You have to understand this. Orgs like global esports, PLT, और कौन है major orgs यहाँ पे? कुछ भी हो जाए, they will always bounce back some way or the other. Roster से इतना नहीं फर्क पड़ेगा. Shit, bhai, who currently decides the playing for you, Soul or Amit bhai? Bro, who decides the playing for? It will always be Amit bhai, not me. My job is to. मेरे को गेम नहीं समझता, how can I decide the playing for? Amit bhai का काम है, मेरा काम है वो चार लोग जो Amit bhai ने decide किए उनका mood अच्छा रखना। क्या बात है, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।